अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो पांथा चौक श्रीनगर से आ रही है, जिसमें नेक्टोरियल एनकाउंटर एक ब्रेकआउट हुआ था और उस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स जो है वो मारे जा चुके हैं। आईजीपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर एक मिलिटेंट जो 7 पुलिस बस पर अटैक में मुलविस था वो भी इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये 7 अटैक जो है 13 दिसंबर को हुआ था, उसमें 3 कॉप जो है वो मारे गए थे और उसमें दर्जन से जायद पुलिस कर्मचारी जो है वो जख्मी हो गए थे। उसके साथ में यहाँ पर अगर साउथ कश्मीर की बात करेंगे, पिछले हफ्ते करीब करीब 5 एनकाउंटर्स हुए, उसमें 12 मिलिटेंट्स को मारा गया था, जबकि उसके बाद ये श्रीनगर में एक एनकाउंटर हुआ जो एक बड़ा एनकाउंटर माना जाता है, जिसमें कल शब जो है यहाँ पर 3 मिलिटेंट्स को मारा गया है। पुलिस के बयान के मुताबिक अगर आईजीपी की बात करेंगे, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर साउथ कश्मीर में दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर 7 में जो मिलिटेंट्स अटैक में इन्वॉल्व थे उसमें 2 को हमने न्यूट्रलाइज किया है और 1 अभी बाकी है। उन्होंने सुहेल की बात कही थी जो कल यहाँ पर एक एनकाउंटर में जो पांथा चौक में हुआ उसमें सुहेल नामी मिलिटेंट भी शामिल है। इस तरह से जो आईजीपी की स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि यहाँ पर अब 3 मिलिटेंट जो इन्वॉल्व थे 7 मिलिटेंट अटैक में वो 3 मारे जा चुके हैं। अभी की जो बड़ी खबर है वो पांथा चौक श्रीनगर से है, जिसमें बताया जाता है कि 3 मिलिटेंट्स को यहाँ पर मारा गया है और उसके साथ में ही यहाँ पर जो 7 मिलिटेंट अटैक में इन्वॉल्व थे वो 3 जो है न्यूट्रलाइज किए गए हैं।